Hello everyone, so today we are going to start the new chapter, that is current electricity, right? So in our previous chapter we have done electrostatic potential, right, and capacitance. Now we are going to start current electricity. So see, the first unit of our chapter was all about the charges at rest, right? We have discussed about the charges at rest. Now we are going to discuss within charges in motion. So see, what is current electricity? So see, this is a branch of physics, right, in which we study the characteristics of the charges in motion. Fine, clear? So what we'll discuss, we will discuss the characteristics of the charges which are in motion. Now of all, first of all we'll discuss about the electric current. Okay, let us first discuss about the electric current. So see, this you have already studied in class 10. आपने ये already class 10 में पढ़ा हुआ है ना, so आपके लिए word जो है थोड़ा familiar होगा, like chapter 1 and chapter 2 थोड़ा सा अलग आपके लिए रहा होगा, है कि नहीं? लेकिन chapter 3 जो आपका starting है ना, बहुत सारे terms आपके लिए similar होगा, ठीक है? similar, sorry, not similar, familiar होगा, ठीक है? So what is current electricity? Sorry, what is electric current? So देखिए, आपका electric current क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, है ना, तो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बहुत ही आसान भाषा में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपको पता है कि कौन से चार्ज फ्लो करता है बेसिकली, जब करंट में कौन सा चार्ज फ्लो करता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब बेसिकली यहाँ किसके बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से बात कर रहे हैं, है ना, जो आपका चार्ज फ्लो होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करेगा हम, है ना, तो क्या दिखेगा, I फोर वाट, I फोर करंट, ठीक है, Q फोर चार्ज और T फोर टाइम। तो देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट में डिफाइन एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फाइन, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कि अगर मैं बोल रहा करंट, मान लो कि एक वायर है, सिंपल सा एक सर्किट है, से ये सर्किट में, है ना, मान लो ये सर्किट है, ठीक है, सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, सिंपल सा मैंने क्या है ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ किया। सो अगर मैं बोलता हूँ कि टू कूलम्ब ऑफ चार्ज, लेट्स से टू कूलम्ब ऑफ चार्ज, लेट्स से क्यू इज इक्वल टू हमारा है टू कूलम्ब, और मैं कैपिटल क्यू बोलूँ स्मॉल क्यू बोलूँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना, अगर क्यू टू कूलम्ब है एंड लेट्स से टाइम टू सेकेंड्स है, सो करंट कितना होगा, देन I इक्वल टू कितना होगा, देखिए आपका I इज इक्वल टू टू बाई टू, डेट इज इक्वल टू वन एम्पेयर, है ना, टू बाई टू डेट इज वन एम्पेयर। अब लेट्स सी कि चार्ज फिक्स है, फ्लो ऑफ चार्ज सपोज हम फिक्स मानते हैं, ना, तो लेट्स सी क्यू सेम है, बट मैं T बोलता हूँ, लेट्स सी T वन सेकेंड हो गया, T वन सेकेंड हो गया। सो अगर T वन सेकेंड है तो इसका मतलब क्या होगा, तब आपका इस केस के लिए आपका करंट क्या बाहर आएगा, करंट क्या होगा, 2/1, that is 2 ampere. So see, from this you can see clearly then that if I have decreased the time, what we can see here, the flow of electric current increases, right, the current electricity, the electric current is increased. Now let's say again, if I take t is equal to 3 seconds, then what will happen, check it once, I will be is equal to 2/3. So see, this you will get as 0.666 dot dot, or we can say 0.67 ampere, right? So see, when you have increased the time, the electric current have reduced, fine. So this way we can say, if the current, the current is directly dependent on what, charge, and inversely dependent on what, time. Is it clear or not? ठीक है, समझ में आप लोग आया कि नहीं आया? अगर हम लोग टाइम को चेंज करते रहेंगे, है कि नहीं है, चार्ज को फिक्स करके, है कि नहीं है, तो आपको दिखने मिल गया, है ना, क्या होता है इसके लिए, टाइम कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, टाइम बढ़ा दोगे तो क्या होगा, आपका करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वही वाइस वर्सा यू कैन डू, लाइक फिक्स टाइम, लेट्स से टी इज इक्वल टू आई से टू सेकेंड्स, आई हैव फिक्स द टाइम, नाउ इन दिस सेकेंड केस लेट अस इंक्रीज द चार्ज, फाइन, लेट अस इंक्रीज द चार्ज, फोर इट वॉज, लेट्स से इट वॉज टू कूलम, नाउ इफ आई टेक क्यू इज इक्वल टू थ्री कूलम, वाट विल गेट एज आई,
What will the value of current here? It will be 3 by 2, that is 1.5 ampere, right? So see, for this case, when I have increased the charge, keeping the time constant, the electric current have increased, fine. Now again, if I again increase the charge as, let's say, Q is equal to 4 coulomb, what will happen? Keeping the time constant, I am again repeating, I have kept this time constant, means in 2 seconds only, I am just passing 4 coulomb of charge. So how much current you will get? I is equal to how much you will get? 4 by how much? 2, that is 2 ampere. So you can see the current is increasing, right? Now if I decrease this charge, let's say Q is equal to, initially it was 2 coulomb, if I take 1 coulomb of charge, what I will get here? I is equal to how much I'll get? I is equal to 1 by 2, that is 0.5 ampere. So see, if you can see, when I decrease the charge, the current is decreased. When I increase the charge, the current is increased. Hai ki nahi hai? Samajh mein aaya ki nahi aap logo ko? Dekho, isliye maine kaha ki I is directly proportional to Q and inversely proportional to T. है ना, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा कीपिंग द टाइम कांस्टेंट, आपका करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं चार्ज को कांस्टेंट रखता हूँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका करंट क्या होगा? कम होता जाएगा, ठीक है। सो ये था बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो सी, एज आई हैव ऑलरेडी यूज द यूनिट हियर, सी द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, फाइन। द SI यूनिट आई कैन राइट एज, this will be Q by T itself. SI unit will be how much? SI unit will be ampere, fine. Now which instrument is used to measure this current? So instrument that we use to measure the current is known as what? Ammeter. So see, these things you have already learned in class 10. Now see why this name ammeter is given. So see, it is ampere meter, fine. If you see this carefully, it is nothing but ampere. From ampere they have taken am and it is meter to measure, fine. So it is ampere meter basically, you can see. So instrument that is used to measure current is what? Ammeter. Now what is I? Is it a scalar or a vector? I, electric current, is scalar or vector? What do you think? Is it scalar or vector? Just think for once. It will be scalar or vector. So for this, what we do basically, whenever we need to decide it is a scalar or vector, we see two conditions, right? What was that? First is, does this I have a magnitude as well as direction or not, right? So we know that electric current have direction. We always see, when I have shown you this diagram, the electric circuit, right, I have, if you have noticed, I have given the direction like arrow, isn't it? So it have direction, but then also it is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity. Now the question comes, why electric current is scalar quantity, ठीक है? So इसका answer बहुत ही simple होगा। देखो आपका ये scalar quantity क्यों है? क्योंकि आपने class 11 में है ना पढ़ा था कि अगर किसी को vector quantity अगर होना है ना, कोई भी एक quantity को अगर वेक्टर क्वांटिटी होना है, सिर्फ उसका डायरेक्शन होना ही इनफ नहीं होता है ना, उसका कुछ रूल्स होता है, वेक्टर रूल, वेक्टर एडिशन रूल, याद आपको होगा, है ना? सो वेक्टर एडिशन रूल क्या था? मान लीजिए एक करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, एक मान लीजिए करंट इधर से आ रहा है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से ये ए है, ये बी है, एंड एज अ रिजल्ट ये करंट इधर मूव कर रहा है, लेट्स से ये सी है। सो अगर हम वेक्टर एडिशन रूल माने, है ना, तो क्या होना चाहिए? ए माइनस बी इक्वल टू सी, है ना? इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा रिजल्टेंट मिलता है बेसिकली, है ना? बिकॉज क्यों? बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। सो ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू सी, बट इस केस में देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ क्या होता है बेसिकली? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है। मीन्स जस्ट लाइक सोचो कि ये एक पानी का पाइप है, लाइक इट इज अ वाटर पाइप, फाइन। सो इफ आई ज्वाइन टू वाटर पाइप, इफ आई ज्वाइन टू वाटर पाइप, राइट, एंड आई हैव कनेक्ट टू दिस टैप, व्हाट विल हैपन? दिस टू वाटर्स, राइट, द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल एड अप और नॉट? देखो ये दोनों वॉल्यूम है दोनों वाटर का, वो एड अप हो जाएगा और फिर यहाँ से निकलेगा बेसिकली,
है कि नहीं है? सिंपल लेग में समझिएगा, है ना? वो तो कि पानी का पाइप है आपका, ठीक है, एक पानी का पाइप में इधर से दिया, एक पानी का पाइप इधर आ रहा है, दोनों का पानी का पाइप क्या कैंसिल कर गया दूसरे को? नहीं ना, दोनों ऐड हो जाएगा और ऐड होकर एक थर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेट्स से टैप है, यहाँ से पानी गिरेगा, फाइन। सो देखो ये क्या फॉलो कर रहा है, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी को फॉलो कर रहा है, स्केलर रूल, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या होगा बेसिकली, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस है जो दिए जाते हैं, है कि नहीं है? फाइन, ठीक है ना? सो क्यों ये स्केलर क्वांटिटी हुआ? क्योंकि ये जो करंट है ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। अगर ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो ही नहीं सकता, है ना? आपने ऑलरेडी क्लास 11 में ये चीज़ पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में, है ना, कि वेक्टर एडिशन रूल को अगर कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। बट इन दिस केस वी सी दैट इट इज नॉट फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। सो अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो अगर वेक्टर नहीं है तो क्या होगा? वो स्केलर, फाइन। सो इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है इसके लिए? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। होपफुली ये पार्ट क्लियर हो गया हो, ये पार्ट आपको पहले से पता है, ये चीज़ आपने ऑलरेडी क्लास 10 में सीखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, है कि नहीं? ये चीज़ आई गेस आपने सबने सीखा हुआ है, ऐसा यूनिट आई गेस आपको मिला होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एमीटर को कहाँ से नाम पड़ा है कि नहीं है? सो याद रखिएगा, एमीटर मतलब कुछ नहीं, एम्पेयर मीटर, जो करंट का जो यूनिट है ना, एम्पेयर जो मेजर करता है उसे हम कहते हैं एमीटर, ठीक है? एम्पेयर से एम लिया गया और मीटर मतलब जो मेजर करेगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फाइन। सो ये इंटरेस्टिंग बात था भाई। सेकेंड, हमें लगा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो क्या होता है इसके लिए, एक क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना? जैसे मान लो मैं कोई पूछता आपसे क्लास 10 में, लेट्स से इन क्लास 10 आपसे कोई पूछता कि बताओ करंट क्या है, तो आप क्या बोलते हैं एकदम, सर वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैव गॉट डायरेक्शन, राइट? बट इन क्लास 11 ऑलरेडी यू हैव लर्न दैट इफ अ क्वांटिटी मस्ट बी वेक्टर, राइट, इट मस्ट फॉलो सम रूल्स, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, सो ये सब फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे ये करंट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वेक्टर एडिशन रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक। सो अगर वेक्टर एडिशन रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, फाइन। सो ये था आपको ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, है ना? सो इन क्लास 10 आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट यू हैव डायरेक्टली लर्न अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? आपने सीधा पोटेंशियल डिफरेंस सीखा था, है कि नहीं? लेकिन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास 10 एंड 12, हम लोग डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जा सकते हैं। नाउ आपका क्या आएगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा नंबर 2 टॉपिक आपका आएगा, है कि नहीं है? नंबर 2 टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। देखो एक और इंटरेस्टिंग बात है यहां पे, सी दिस वेरी केयरफुली। सो इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, सो वी नो दैट एक इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो इन ए कंडक्टर ओनली, इन एन इंसुलेटर, एक इंसुलेटर में करंट कभी फ्लो नहीं करता है, है ना? रीजन क्या है, रीजन क्या है? सो वी नो दैट इन ए कंडक्टर देर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेट से इफ आई टेक ए सिलिंड्रिकल सब्सटेंस इन विच, और इफ आई टेक ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर, राइट, अगर मैं एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर लेता हूँ, है कि नहीं है? मान लिया कि ये कंडक्टर है, मतलब यहाँ क्या है इसके लिए, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है कि नहीं है? सो इन दिस कंडक्टर देर आर मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, क्या वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्या? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, इज देयर नो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर? ऑब्वियसली देयर इज प्रेजेंट सम पॉजिटिव चार्ज, राइट, बट कंपैरेटिवली देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव, राइट? दैट्स व्हाई आई से दैट इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली। सो इनिशियली लेट्स से इफ दिस इज नॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं करता, है ना, फाइन। सो क्या होगा इसके लिए, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, है ना, ये सब क्या होता है, रैंडमली एक रैंडम डायरेक्शन होता है, और जो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है ना, राइट, सो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है आपका क्या होता है इसके लिए, रैंडम डायरेक्शन होता है। लेट्स से अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इट मे बी पॉसिबल डैट ये आपका किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, है ना, इन रैंडम डायरेक्शन इट यूज टू मूव हेयर एंड देयर, राइट? वाई? बिकॉज द थर्मल प्रॉपर्टीज, राइट, बिकॉज ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टीज, है ना? And this I guess again you have learned in class 11, fine. So due to the thermal property what happened, the electrons used to move here and there randomly. So इसी कारण क्या होता है, जब मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, let's say एक इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा है, तो यहाँ से इधर जाएगा, है ना,
फाइन। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए रेंडम डायरेक्शन, ठीक है। सो अगर रेंडमली घूम रहा है, यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा ना, नेट चार्ज इक्वल टू हाउ मच, इस पॉइंट पे नेट चार्ज कितना होगा, गेस कर सकते हो? नेट चार्ज कितना होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। यहाँ पे हमारा नेट चार्ज क्या आता है, जीरो आता है। क्यों? बिकॉज देखो ये इसको कैंसिल कर देगा, फिर ये जब इधर जा रहा है तो हो सकता है कि ये चार्ज जो है इधर मूव कर रहा हूँ, सो ये इसको कैंसिल कर देगा। सो एट द एंड क्या होता है कि ईच इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल इच अदर एट वन पॉइंट, फाइन। सो नेट चार्ज बिकम हाउ मच, जीरो। सो जब भी एक कंडक्टर में आपका है कि नहीं है, जब भी एक कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई मतलब हमने कोई अगर पोटेंशियल आप अप्लाई नहीं किया है ना, सो वहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा इसके लिए, जीरो होगा, ठीक है। सो ये हो गया विदाउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक, अब माने कि हम यहाँ पे इस कंडक्टर में, है ना, इस कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है। सो इसका दो तरीका है। मान लीजिए अगर मैं, लेट्स से ये दो सिलेंडर था, है ना, अब मान लीजिए मैं इन दो सिलेंडर पे, लेट्स से इस फेस पे एंड इस फेस पे, है ना, एक फेस पे मैं सपोज पॉजिटिव चार्ज पेस्ट करता हूँ, पेस्ट मतलब चिपका दूँ, लाइक फेविकॉल से जस्ट चिपका दो सपोज, है ना। सो इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज, तो क्या होगा इसे, इसे क्या होगा, तो देखो इसे होगा क्या कि इसे होगा कि आपका जो पॉजिटिव चार्जेस है कि नहीं है, ये इधर मूव हो जाएगा, बेसिकली इधर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। आपको याद होगा हमने बात किया था, है ना, ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। सो इंडक्शन आगे से आपको क्लियर होगा, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था, है ना, इसी बुक का। सो ये इधर मूव करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये कॉन्स्टेंटली इधर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। सो जब अट्रैक्ट करेगा सो इसका अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगा ना, ठीक है। सो ये जो वेलोसिटी आएगा ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए आएगा, बिकॉज ये जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है ना, ये जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव जो चार्जेस है कि नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए है, बेसिकली आफ्टर दैट जब अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो दोनों कैंसिल आउट करेगा, फाइन। सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कुछ देर में खत्म, मतलब जो करंट यहाँ फ्लो होगा वो कुछ टाइम के लिए फ्लो होगा, है ना, और वो जो कुछ टाइम, जो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो करंट यहाँ फ्लो होगा ना, उस करंट कहते हैं हम ट्रांजिएंट करंट। प्लीज रिमेंबर दिस, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। डिफाइन ट्रांजिएंट करंट, तो ट्रांजिएंट करंट क्या होता है, जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, मैं बात करूँ देखो ये नथिंग बट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव यहाँ बन दिया, है ना। सो जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो भी बहुत कम टाइम के लिए होगा, इट विल बी फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो ड्यू टू दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी हाउ मच, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, एंड दैट करंट इज नोन एज व्हाट, ट्रांजिएंट करंट। इज इट क्लियर व्हाट इज ट्रांजिएंट करंट, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, इन दिस मैनर ओनली इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर। और अगर मैं बोलूँ कि मैं इसे कॉन्स्टेंटली, लेट्स से कि मैं इसे कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, इधर से कॉन्स्टेंट नेगेटिव चार्ज दे रहा हूँ, है ना, तो क्या होगा बेसिकली, इससे क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ करंट होगा, मतलब कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो करता ही रहेगा नॉन स्टॉप, जब तक आप यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव दे रहे हो, क्लियर है नॉट। और मैंने आपको कहा था एक और तरीका है जिसे हम काम कर सकते हैं, बात एक ही होता नॉर्मली, अगर मैं इंस्टेड ऑफ ये पॉजिटिव यहाँ पे नहीं दूँ, मतलब यहाँ पे फेविकॉल से ना चुका हुआ, मतलब अलग से ना देखें, मैं सिंपल यहाँ पे एक पोटेंशियल अप्लाई कर दूँ इन दोनों के ऊपर, लेट्स से अगर मैं इधर से पोटेंशियल अप्लाई कर दूँ, पोटेंशियल मतलब क्या, एक सेल, है ना, एक सेल अगर मैं अप्लाई कर दूँ यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा इसके लिए, एक सेल अप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पूरा फेस क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इसके लिए, और ये निगेटिव है यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, निगेटिव चार्ज। देखो घूम के बाद वही हो गया, लेकिन इन दिस केस में क्या होगा, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, बिकॉज ये यहाँ से कांस्टेंटली पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, ये यहाँ से कांस्टेंटली से क्या दे रहा है, नेगेटिव चार्ज दे रहा है, ठीक है। आए बात समझ नहीं आया, लेकिन अगेन याद रखिएगा, फॉर ट्रांजिएंट करंट, राइट, व्हाट इज ट्रांजिएंट करंट, इट इज अ करंट दैट इज प्रोड्यूस फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन ए कंडक्टर, प्लीज रिमेंबर दिस, इज इट क्लियर नॉट। सो सेकेंड वे बाय विच वी कैन गेट द
इलेक्ट्रिक करंट इज दैट बजस बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल. इज इट क्लियर हाउ इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज? होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन. फाइन, इट्स ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिलेटेड टू दिस ओनली. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये इसी से रिलेशन में आता है. ठीक है, सो प्लीज सी दिस वेरी केयरफुली. ऑन दिस फेनोमेना ओनली वी विल डिराइव वन रिलेशन नाउ. ठीक है, सो सी व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव कॉन्स्टेंटली, राइट, इट विल हैव सम वेलोसिटी और नॉट? ईच इलेक्ट्रॉन विल गेन सम वेलोसिटी, देन ऑल इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो इफ देर इज सम वेलोसिटी, राइट, इफ देर इज सम वेलोसिटी, राइट, सो वॉट इज द, इफ आई आस्क यू वॉट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज वी कैनॉट फाइंड ऑल द वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, इज वेरी स्मॉल, सो वी वॉन्ट द एवरेज वेलोसिटी, फाइन, ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर. सो दैट, वो जो मैंने कहा ना एवरेज वेलोसिटी, राइट, सो दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. प्लीज रिमेंबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फाइन, आपको एवरी नाउ एंड देन बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर. ठीक है, सो स्पेशली द डेफिनेशन, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज वेरी सिंपल, इट इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी. फाइन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ विच वन? ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर. देखो इधर से ये इधर आया ना, तो इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, नाउ लेट्स डिराइव इट कि इसका एक्सप्रेशन किस तरह से दिखेगा, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा. ठीक है, नाउ सी द डायग्राम विल बी सेम, डायग्राम विल बी वन सेम, बस थोड़ा थोड़ा चीजें हम लोग ऐड करेंगे उसमें. ठीक है, थोड़ा सा, डोंट वरी. फाइन, सो सी अगेन इफ आई टेक अ सिलिंड्रिकल, आई नो डायग्राम इज अ बिट बोरिंग ना, है ना, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा ना, बस थोड़ा टेढ़ा भी कर रहा है, लग रहा है थोड़ा पोलियो टाइप हो गया उसको, थोड़ा एडजस्ट करना प्लीज. फाइन, फ्री हैंड, आई एम जस्ट ड्रॉइंग विद द फ्री हैंड, राइट, सो होपफुली इट डज नॉट बॉदर यू, बट इन एग्जाम व्हेन यू ड्रॉ प्लीज यूज कंपास एंड ऑल, राइट, बिकॉज वी नेवर नो हु इज गोइंग टू चेक, दे मे कट फॉर दिस ऑल्सो, इफ समवन विल चेक माई आंसर ही विल से नो डायग्राम इज नॉट परफेक्ट, कट इज हाफ मार्क, कट इज वन मार्क, दे मे से लाइक दिस ऑल्सो. फाइन, सो नाउ प्लीज, बट यू डोंट डू दैट मिस्टेक, आई एम डूइंग इन फ्री हैंड, बट इन एग्जाम वैन यू प्रैक्टिस यू कैन डू ऑल्सो बाय फ्री हैंड, बट इन एग्जाम वैन यू डू प्लीज डू विथ अ कंपास. नाउ इफ आई टेक दिस, फाइन, सो लेट्स से दिस सरफेस हैव ए एरिया ऑफ ए, फाइन, एंड लेंथ एज एल. फाइन, आई हैव टेकन लेंथ एज एल, और यू कैन से हाइट, इफ आई जस्ट मेक इट इज वर्टिकली लाइक दिस, so how do look like, do look like as this, so we call it as height cylinder if you remember, right, so I have taken this as L. Now if I connect this with a potential V, what will happen, the electrons which are moving here and there, right, will come in one direction, like let's say this will keep on moving in one direction only, right, so we need to find the average velocity of these electrons. Fine, and this is, again I am repeating, this is known as what? Drift velocity. And we represent as this as V suffix D. Fine. So this is nothing but the average velocity. So for this, we will take two cases. Fine. For this, we will take two cases. One in which the potential was not applied, that I have discussed at the first case, if you remember, right? We'll take the first case as in which the electrons are moving here and there. Fine. The electrons are moving here and there. So what we'll get here? So if the initially the electrons are moving here and there, so what will be the average velocity of these electrons initially when
इनिशियली मीन्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनिशियल मतलब क्या, जब मैंने यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था, मतलब जब ये सर्किट मान लो ये सर्किट सपोज यहाँ पर नहीं है, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर सपोज कोई सर्किट यहाँ पर नहीं है, बस का एरिया है एंड सम लेंथ है, ठीक है, बस ऐसा ही है, एंड जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रेंडमली यहाँ वहाँ घूम रहा है, ठीक है। सो इस केस में हमारा बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, लेट से ये इनिशियल है, मिलता हूँ सपोज यू, ठीक है, यू मीन, मीन मतलब एम लेता हूँ मैं, ठीक है, यू एम लेता हूँ, मीन मतलब क्या समझता हूँ ना, एवरेज, या फिर आपको अच्छा लगा ये चीज़ एम तो लिख तो ए वी, आई होपफुली ये ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स है ना, सो क्या होगा इसके लिए, नेट से अगर इसका एक अपना वेलोसिटी होगा क्या होगा इसका, यू वन होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा यू टू होगा, प्लस यू थ्री होगा, प्लस लेट से डॉट डॉट इट इज यू एन, लेट से देर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी डोंट नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट, सो लेट अस अज्यूम देर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, फाइन, सो यू प्लस यू टू प्लस यू थ्री डॉट डॉट, आई गेस यू नो हाउ टू फाइंड द मीन और द एवरेज, सो डिवाइड बाय हाउ मच एन, सी दिस फॉर्मुला यू ऑल लर्न इन क्लास 10 इटसेल्फ, राइट, हाउ टू फाइंड द एवरेज एंड मीन, होपफुली यू नो दिस, सो दिस विल बी एन, सो वी नो दैट द एवरेज वेलोसिटी और द नेट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हाउ मच इनिशियली, जीरो, आई टोल्ड यू, राइट, द नेट चार्ज इज जीरो मीन्स द वेलोसिटी विल बी हाउ मच, जीरो एट द एंड, सो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू जीरो, वेरी सिंपल एक्सप्रेशन ना, राइट। नाउ इफ आई गिव पोटेंशियल टू लेट्स से दिस सिलिंड्रिकल कंडक्टर, राइट, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, दिस विल अगेन कम इन टू वन डायरेक्शन, दे आर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सो आपका सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा, सो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सो फॉर दिस दिस विल द फाइनल वेलोसिटी है ना, ये हमारा क्या होगा फाइनल वेलोसिटी होगा, सो इसके मैं क्या कहता हूँ वी, हाँ वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, हाँ वी फॉर पोटेंशियल नहीं, प्लीज डू नॉट मिक्स इट अप, वी फॉर व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, सो हमारा क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, लेट्स से वी ए वी इक्वल टू क्या होगा वी वन, जैसे मैंने यहाँ किया था ना यू वन यू टू किया था, यहाँ क्या होगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस हाउ मच वी एन बाय हाउ मच आई गेट एन ओनली, क्लियर यहाँ तक, होपफुली आपको समझ में यहाँ पर आया हुआ है ना। अब सवाल आता है कि ये वी वन वी टू वी थ्री है ना, इसको हम लोग रिप्लेस कैसे करें, फाइन, सो जब मान लो जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होगा ना, जब वेलोसिटी मूव कर रहा होगा है ना, तो जब एक ही वेलोसिटी आ रहा है ना, तो एट दैट टाइम वी कैन से एक्सीलरेशन मस्ट बी कॉन्स्टेंट है ना, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, राइट, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेशन मस्ट बी कॉन्स्टेंट, एक्सीलरेशन एक ही एक्सीलरेशन से सब लोग आएगा है कि नहीं है। सो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ वी वन को, तो आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ मोशन यू लर्न इन क्लास 9, यू लर्न इन क्लास 11, क्या था इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 था एक रिलेशन, और एक क्या था याद कीजिए, और क्या था आपको बेसिकली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS है ना। सो वी हैव लर्न दिस थ्री इक्वेशन, दैट इज ऑनली इक्वेशन ऑफ मोशन, सो सी दिस इज द केस ऑफ मोशन ऑनली, सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस रिलेशन, इजिएस्ट वन, v इक्वल टू यू प्लस 80, सो इफ आई राइट जस्ट एज वी वन विल व्हाट यू वन, ए इज कॉन्स्टेंट बट टी विल नॉट बी कॉन्स्टेंट, टाइम चेंज होता रहेगा ना, इसके लिए टाइम अलग होगा, इसके लिए टाइम अलग होगा एंड इसके लिए टाइम अलग होगा, फाइन, सो दिस विल व्हाट वी वन इक्वल टू यू वन प्लस 81, सो इन प्लेस ऑफ वी वन आई कैन राइट यू वन प्लस 81, फाइन, सिमिलरली फॉर वी टू आई कैन राइट यू टू प्लस 82, इज ओके, सिमिलरली फॉर वी थ्री इट विल बी यू थ्री प्लस 83 प्लस डॉट डॉट डॉट, फॉर वी एन इट विल बी व्हाट यू एन प्लस 80N, इज ओके, डिवाइड बाय हाउ मच इट विल बी एन, फाइन। नाउ सी इफ आई अरेंज दिस, देखो अगर अरेंज करें इसको हम यू वन यू टू यू थ्री है ना यू एन, मैं अगर सब यू वन को इनिशियल वेलोसिटी, इफ आई जस्ट कीप ऑल द वेलोसिटीज टुगेदर, सो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, सी यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 इट विल बी व्हाट यू एन, फाइन, आई हैव अरेंज दिस अगेन, प्लस व्हाट इज लेफ्ट देन 81 82 83, राइट, सो इट सी इन ईच केस ए इज कॉमन, सो आई कैन टेक आउट ए हेयर, इज इट, आई कैन टेक आउट ए, सो वाट आई गेट हेयर टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, लाइक दिस आई गेट टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट डॉट इट विल बी टी एन बाई एन,
होपफुल इज इट क्लियर टू यू राइट सी दिस सिंपल मैथमेटिक्स राइट दैट यू आर यूजिंग नाउ लेट्स सॉल्व दिस आई एम सॉल्विंग हियर राइट और लेट मी सॉल्व हियर सो सी इफ वी नीड टू सॉल्व दिस सो सी इफ आई डू इंडिविजुअल डिविजन लाइक दिस बाय दिस लाइक इट विल बी यू वन प्लस वी ए बी लेट्स राइट वी ए बी इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस आई एम जस्ट राइटिंग हियर इन शॉर्ट प्लस यू एन बाय एन प्लस ए टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट टी एन बाय एन मे आई राइट दिस आर नॉट सी इफ यू टेक एलसीएम अगेन सो विल गेट दिस टर्म ओनली राइट सो इफ यू सी केयरफुली थोड़ा आगे खोलो ठीक से एंड देखो कि ये जो टर्म है सी दिस टर्म एंड ये टर्म है सी मी है ना जस्ट टेक इट वंस एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच वी हैव गॉट जीरो सो आई कैन जस्ट राइट हियर व्हाट जीरो प्लस ए टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट डॉट प्लस टी एन बाय एन राइट सो यू गेट दिस सो नाउ सी दिस टर्म सी इफ यू सी दिस टर्म राइट टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट डॉट टी एन बाय एन सो दिस टर्म इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम दिस टर्म इज नोन एज व्हाट रिलैक्सेशन टाइम टाउ वी रिप्रेजेंट एज टाउ रिलैक्सेशन टाइम नाउ अगेन अनदर टर्म इज यूज राइट वाट इज रिलैक्सेशन टाइम है ना सो रिलैक्सेशन टाइम क्या आपको इसके लिए सो ये रिलैक्सेशन टाइम है कि नहीं है ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो टाइम है ना बिकॉज देखो जब दो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा देर इज अ चांस दैट दे विल कोलाइड फॉर वाइल दोनों एक दूसरे टकरा भी सकते हैं कि नहीं है सो जो टाइम है जो एवरेज टाइम है दोनों के बीच का है ना जो एवरेज टाइम है दोनों के बीच का जो एवरेज टाइम है जब तक लोग टकराते नहीं है ना जब तक वो लोग कोलाइड नहीं करते है ना सो उन दोनों का जो एवरेज टाइम है दो इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज टाइम है ना उसी टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम फाइन सो रिलैक्सेशन टाइम कुछ भी नहीं है बट इट इज नथिंग बट अ मीन टाइम ऑफ बिटवीन द मीन टाइम ऑफ द कोलिशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स फाइन टिल जब तक दोनों कोलाइड नहीं होगा ना उन दोनों के बीच का जो मीन टाइम होगा ना उसे हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम सो नाउ वी कैन से दैट ए वी ए वी सो नाउ आई टोल्ड यू वी ए वी इज नथिंग बट व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये देखो ये एवरेज वेलोसिटी है ना राइट सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं सो फॉर दिस नाउ सी वी हैव गॉट वन रिलेशन दैट इज वी डी इज इक्वल टू हाउ मच ए टाउ देखो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया ए टाउ फाइन वी हैव गॉट ए टाउ सो दिस इज वन ऑफ द रिलेशन दैट इज वी डी इक्वल टू वॉट ए टाउ यू कैन पुट द वेक्टर साइन इट विल गुड फाइन नाउ सी अब देखो ये इस ए को क्या हम इस ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या इस ए का वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग सॉरी इस को हम चेंज कर सकते हैं कर सकते हैं देखो अब इस ए को मैं अगर निकालना चाहूँ है ना अगर इस ए का मैं वैल्यू निकालना चाहूँ देखो एक रिलेशन था आपके पास एक रिलेशन इसका आपके पास था क्या था वो अगर मैं यहाँ देखो ये जो फोर्स है इसके लिए है ना ये जो इसके लिए फोर्स है अगर मैं यहाँ से फोर्स ऑब्वियसली ए जो है आपका फोर्स का रिलेशन से बाहर आएगा है ना सो फॉर दिस अगर मैं पता करूँ कि इसका ऊपर है ना इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बिकॉज ये अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आ रहा है इस तरफ है ना जिसकी वजह से मूव होना शुरू हो गया है ना सो फोर्स ऑन दिस कितना होगा फोर्स ऑन चार्ज और फोर्स ऑन माइनस क्यू कितना होगा इसके लिए क्यू इंटू ई है ना क्यू इंटू ई होगा नहीं होगा बताइए फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन और मैं बात करूँ फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होगा एफ इक्वल टू क्यू ई ई क्या आपका इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई गेस आपको ये रिलेशन याद होगा है कि नहीं है फर्स्ट चैप्टर हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हाट वाज दैट एफ ई इज इक्वल टू यू हैव गॉट एफ बाय क्यू होपफुली आपको याद हो ये आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट एफ बाय क्यू राइट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल सो ये हमारा होगा अब देखिए आपको बहुत सारा बुक में ये भी मिलेगा कि ये माइनस लगा होता है यहाँ पे इसके लिए ठीक है आपको बहुत सारा बुक में ऐसा हो सकता है कि एफ इक्वल टू माइनस क्यू ही होगा सो आई एम जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड फाइन हमें ऑलरेडी पता है यहाँ से मूव कर रहा है कौन मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो निगेटिव दे ना दे एक ही बात है चलता है
ठीक है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो यहाँ चार्ज क्या है, निगेटिव ही है, बिकॉज जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। सो एफ इक्वल टू क्यू ई, बट वी नो डैट बाय द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। सो न्यूटन को तो अलग नहीं कर सकता बह रहे हैं, तो यहाँ तो मोशन हो रहा है, सो बाय द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वी नो डैट एफ इक्वल टू व्हाट, एम ए, है ना, एफ इक्वल टू व्हाट, एम इंटू ए, न्यूटन मूल किया था भैया। सो देखो, इफ यू कंपेयर दिस टू, लेट्स से इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इफ आई कंपेयर दिस टू व्हाट आई गेट, क्यू ई आई कैन राइट हियर फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू व्हाट आई गेट हियर, क्यू ई इज इक्वल टू एम इंटू ए, इजन इट, क्यू ई इज इक्वल टू एम इंटू ए, है कि नहीं है। सो क्यू ई इक्वल टू एम इंटू ए आ गया, यहाँ से कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बिकॉज हमें यहाँ पे ए का वैल्यू चाहिए ना पुट करने के लिए, थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए। सो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए हियर, क्यू ई बाय एम इज इक्वल टू ए, देखो लेट्स से इक्वेशन थ्री। सो यूजिंग इक्वेशन थ्री इन दिस इक्वेशन, है कि नहीं है, व्हाट आई गेट, वी डी इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम इंटू टाउ, सी अनदर इक्वेशन हमें मिल गया यहाँ से ना, वी डी इज इक्वल टू वन क्यू ई एम बाय, सॉरी क्यू ई एम इंटू टाउ, टाउ आइए सब पता होगा क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज नथिंग बट वट रिलैक्सेशन टाइम, प्लीज कीप इन माइंड। नाउ अगेन इफ आई नीड टू मॉडिफाई दिस ई, और इफ आई नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, है ना, किसी ने कहा नहीं भैया पोटेंशियल ला के दिखाओ ना थोड़ा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मजा नहीं आया, तो क्या करोगे। सो वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन था, इफ यू रिमेंबर वी हैव डन ऑलरेडी राइट इन चैप्टर टू, व्हाट वाज दैट, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, आई हैव शोन लाइक दिस राइट, वेयर आर इज द लेंथ राइट, वेयर आर वॉज द लेंथ, बट इन दिस केस वॉट इज आर, दिस इज एल, सी लेंथ किताब में हमने एल यहाँ पे है कि नहीं है, और ये एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन, हमने बहुत स्मॉल पोर्शन के निकाला था ना, ऑन ए इक्विपोटेंशियल सर्फेस निकाला था, बट अगर मान लो ये पूरा वी आर डिस्कसिंग ऑन होल दिस सिलेंडर का सर्फेस, सो दिस इज वॉट, ई इक्वल टू वॉट, वी बाई एल, है कि नहीं है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई एल। सो इन प्लेस ऑफ ई वॉट आई कैन राइट, इन प्लेस ऑफ ई वॉट आई कैन राइट, वी बाई एल, मे आई राइट और नॉट, सो जस्ट पुट इट एंड गेट द आंसर फोर वी डी, है कि नहीं है, जस्ट पुट करो और यहाँ से इसका आंसर निकाल दो, सो दिस ऑल्सो यूल गेट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज इट क्लियर नॉट। सो प्लीज कीप इन माइंड दैट, कीप इट माइंड दैट यू मे आस्क टू फाइंड आइदर ऑफ द वन इक्वेशन राइट, आपको कोई भी एक इक्वेशन डिराइव करने वाले लोग दे सकते हैं, सो यू मस्ट नो हाउ टू डिराइव अकॉर्डिंगली, है कि नहीं है, ज़्यादा इसको लर्न करने का चीज़ नहीं है, चीज़ है कि नहीं है, देखो इट्स वेरी सिंपल राइट, वी हैव कनेक्टेड वन टू द अदर, फाइन, सो दिस इज नथिंग बट योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होपफुली इट इज क्लियर टू यू, फाइन। सो वी हैव टेकन आउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट्स वेरी सिंपल, से एनी वन ऑफ यू जस्ट थिंक वंस, एसआई यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हाट वी कैन गेट, सी द आंसर लाइज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, वेलोसिटी एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, नथिंग बट व्हाट, मीटर पर सेकेंड, फाइन, मीटर पर सेकेंड, सो दैट विल द एसआई यूनिट, डोंट गेट कन्फ्यूज देयर राइट, समथिंग डिफरेंट इज आस्क्ड, सी इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नथिंग बट व्हाट, द एवरेज वेलोसिटी राइट, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन to travel from one terminal to the other, fine, so this is all about your drift velocity. Now from this what we can note down, so you just write here note right, so see if this is the equation of drift velocity right, we have got drift velocity vd is equal to a tau, like this we have got right, so from this what I can say, from this what I can say, that drift velocity is directly dependent on what, a and tau right, this drift velocity directly depends on a and
tau. Secondly, if I guess I have not shown that, if I take Vd in terms of potential, if I take Vd in terms of potential, what I'll get? E V tau by Lm. I guess you have taken out this by yourself, right? If you're not, then please take it out. So if you see this carefully, E is the what? Charge of an electron, right? And what you've got this? This is what? Nothing but your what? Potential tau L and M. See, if I keep these things constant, what is left? L. So I can say Vd will be inversely proportional to L, right? So more the length of the conductor, right, less will be the what? Drift velocity. And less the length of the conductor, there will be more drift velocity. Fine. So from these things we can say, we can conclude these things. Is it clear or not? Hopefully it is clear to you about the drift velocity. Fine. So in our next class we'll discuss about the next topic, that is your let's say about the relationship between drift velocity and electric current. Fine.